हेलो एवरीवन इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इंटरनल कैप्सूल की ब्लड सप्लाई और क्लिनिकल के बारे में ब्लड सप्लाई में भी हमें पढ़नी है आर्टेरियल सप्लाई इंटरनल कैप्सूल की फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने आपको ये सारी सब हेडिंग्स बताई थी तो इस वीडियो में हम इंटरनल कैप्सूल को कम्प्लीट कर लेंगे देखिये जो हमारा इंटरनल कैप्सूल है उसमें हमें सिक्स आर्टरीज पढ़नी है जो इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करती हैं और वो सारी आर्टरीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है देखिए मैंने आपको बताया था जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसकी पांच ब्रांचेज होती हैं एक होती है हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एक होती है एंटीरियर कोरोइडल एक होती है एंटीरियर सेरिब्रल एक होती है मिडल सेरिब्रल और एक होती है

वो किसको सप्लाई करती है इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करती है तो फोर हम पढ़ चुके हैं अब हमें दो और पढ़नी है अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की कुछ डायरेक्ट ब्रांचेस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की कुछ डायरेक्ट ब्रांचेस किसको सप्लाई करती है इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करती है तो फाइव कंप्लीट हो चुके हैं अब लास्ट हमें देखनी है देखिए जो बेसिलर आर्टरी होती है हमने पढ़ा था बेसिलर आर्टरी टर्मिनेट कर जाती है बाय डिवाइडिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की कुछ ब्रांच किसको सप्लाई करेंगे इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करेंगे तो टोटल सिक्स आर्टरीज होती हैं जो सिक्स आर्टरीज होती हैं जिनकी ब्रांचेस इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करती हैं एक है एंटीरियर सेरिब्रल एक है मिडल सेरिब्रल एक एंटीरियर क्रोइडल एक पोस्टीरियर कॉम्युनिकेटिंग एक पोस्टीरियर सेरिब्रल और एक डायरेक्ट ब्रांचेज ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी तो देखिए हमने देख लिया मिडल सेरिब्रल एंटीरियर सेरिब्रल, एंटीरियर कोरोइडल, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की डायरेक्ट ब्रांचेस एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बहुत इजी हो जाता है याद करना देखिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की कौन सी ब्रांचेस हैं डायरेक्ट ब्रांचेस और पोस्टीरियर सेरिब्रल ियर कॉम्युनिकेटिंग एंड एंटीरियर आर्टरी की कौन सी ब्रांचेज होंगी सेंट्रल ब्रांचेज तो तीन तो हमारी सेंट्रल ब्रांचेज हो गई और एक हो गई हमारी डायरेक्ट ब्रांचेज अब बची है मिडल सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांचेज और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांचेज तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी की मीडियल एंड लेटरल स्ट्राइट ब्रांचेस सप्लाई करेंगी इंटरनल कैप्सूल को और एंटीरियर सेरिब्रल की भी इस्ट्राइट ब्रांचेस इस्ट्राइट मतलब जिनका कैलिवर छोटा होता है जिनका डायमीटर छोटा होता है उन आर्टरीज को हम स्ट्राइट ब्रांचेस बोलते हैं अब देखिए हम देखेंगे ये कौन सी आर्टरी किस पार्ट को सप्लाई करती है तो मीडियल एंड लेटरल स्ट्राइट ब्रांचेज जो होती हैं मिडल सेरिब्रल आर्टरी किसको सप्लाई करती हैं पोस्टीरियर लिम को सप्लाई करती हैं देखिए इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा मिडल सेरिब्रल आर्टरी यहाँ पे है तो ये किसको सप्लाई करेगी पोस्टीरियर लिम को सप्लाई करेगी ये वही डायग्राम है पूरा ब्लड सप्लाई का उसको मैंने शॉर्ट कर दिया है ये बेसिलर आर्टरी डिवाइड हो रही है पोस्टीरियर सेरिब्रल में देन ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग इंटरनल कैरोटिड एंटीरियर सेरिब्रल ये है मिडल सेरिब्रल एंड ये है हमारी एंटीरियर कोरोइडल तो जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी की लेटरल एंड मीडियल स्ट्राइट ब्रांचेज होती है वो किसको सप्लाई करती हैं पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करती हैं नेक्स्ट हम देखेंगे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी किसको सप्लाई करेंगी जेनू एंड पोस्टीरियर लिम्ब को तो जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की स्ट्राइट ब्रांचेज हैं वो किसको सप्लाई करेगी एंटीरियर लिम एंड जेनू ऑफ इंटरनल कैप्सूल एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी किसको सप्लाई करती है सब लेंटिफॉर्म पार्ट को तो एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी की जो ब्रांचेज हैं किसको सप्लाई करेगी सब लेंटिफॉर्म पार्ट को तो ये हमारा सब लेंटिफॉर्म पार्ट दिखाया गया है इसमें नेक्स्ट है डायरेक्ट ब्रांचेज फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी किसको सप्लाई करेंगी जेनू को तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ये जो डायरेक्ट ब्रांचेज है ये वाली ये किसको सप्लाई कर रही है जेनू को और लास्ट है हमारी सेंट्रल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर सेरिब्रल ये किसको करेगी देखिए पोस्टीरियर सेरिब्रल नीचे होता है तो ये किसको करेगी रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट को एंड सब पार्ट को तो बहुत ज्यादा इजी हो गया है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस करेंगी एंटीरियर लिम और जेनू को इंटरनल कैरोटिड की डायरेक्ट ब्रांचेस करेंगी जेनू को देन पोस्टीरियर लिम को कौन सप्लाई करेगा मिडल सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस और एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी किसको सप्लाई करेगी सब लेंटिफॉर्म पार्ट को एंड जो हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो करेगी सब लेंटिफॉर्म पार्ट एंड रेक्ट्रोलिफॉर्म पार्ट को अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें इसमें पढ़ना है वन ऑफ द लेटरल इज लार्जर एंड मोर फ्रिक्वेंटली रक्चर और उसको हम नाम देते हैं चारकोट्स आर्टरी ऑफ सेरिब्रल हेमरेज तो जो हमारी मिडल सेरिब्रल आर्टरी की मीडियल एंड स्ट्राइड ब्रांचेज होती हैं उनमें से एक लेटरल स्ट्राइड ब्रांच बड़ी होती है और वो मोर फ्रीक्वेंटली रप्चर होती है तो उस आर्टरी को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया है दैट इज चारकोट्स आर्टरी ऑफ सेरिब्रल हेमरेज बिकॉज ये क्लिनिकल ऑफ इंटरनल कैप्सूल से रिलेटेड है ऐसे ही सेम वन ऑफ दीज ब्रांचेज मतलब एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की जो स्ट्राइड ब्रांचेज होती है उनमें से एक बड़ी होती है और एक रिकरेंट कोर्स लेती है उसको हमने नाम दे दिया है रिकरंट आर्टरी ऑफ हैबन्योअर सो दिस इज आर्टीरियल सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल इसमें आपको याद क्या रखना है सारी आर्टरीज के नाम और किस किस पार्ट को सप्लाई करती हैं और दो मेन आर्टरीज़ को आपको याद रखना है चारकोट्स आर्टरी ऑफ सेरिब्रल हेमरेज एंड रिकरेंट आर्टरी ऑफ हैबनोअर बिकॉज ये किस में इंपॉर्टेंस देती है हमारी क्लिनिकल ऑफ इंटरनल कैप्सूल में इंपॉर्टेंस शो करती है नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल कोरिलेशन ऑफ इंटरनल कैप्सूल क्लिनिकल्स आपको तभी समझ आएंगे अगर आपने जितना भी मैंने इंटरनल कैप्सूल पढ़ा है उसको अच्छे से सुना है याद भी नहीं किया सिर्फ सुना है तो आपको इंटरनल कैप्सूल की क्लीनिकल्स याद हो जाएंगी देखिए फर्स्ट है कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया हमें पता है जो राइट right साइड का इंटरनल कैप्सूल होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को इनरवेट करता है और लेफ्ट साइड का इंटरनल कैप्सूल राइट साइड की बॉडी को इनरवेट करता है तो अगर हमारा राइट right साइड के इंटरनल कैप्सूल में डैमेज हुआ है तो कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा राइट साइड लेफ्ट साइड की बॉडी अफेक्ट होगी मतलब अपोजिट साइड जो होगी बॉडी की वो अफेक्ट होगी इसको बोलते हैं कॉन्ट्रालेट्रल हेमीप्लेजिया सो हेमरेज हुआ मतलब कोई आर्टरी रप्चर हुई या फिर इन्फाक्शन हुआ तो उससे क्या होगा डैमेज हो जाएगा इंटरनल कैप्सूल को अब डैमेज हो जाएगा इंटरनल कैप्सूल को तो क्या होगा लॉस ऑफ सेंसेशन एंड स्पास्टिक पैरालिस ऑफ अपोजिट हार्फ ऑफ द बॉडी लॉस ऑफ सेंसेशन क्यों होंगे सेंसरी फाइबर्स की वजह से और स्पास्टिक पैरालिसिस क्यों होगा मोटर फाइबर के डैमेज की वजह से अब कॉमनली अकर ड्यू टू रपच्चर ऑफ चारकोट्स आर्ट्री ऑफ सेरिब्रल हैमेज देखिये हमने जस्ट अभी पढ़ा है चारकोट आर्ट्री ऑफ सेरिब्रल हेमरेज एक किसकी ब्रांच है मिडल सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांच है और मिडल सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांच कौन से पार्ट को सप्लाई करती है पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करती है हमने पढ़ा था जो पोस्टीरियर लिम्ब होता है इंटरनल कैप्सूल का उसमें कौन कौन से फाइबर्स होते हैं पैरामिडल फाइबर्स होते हैं अपर लिम्ब के ट्रंक के और लोअर लिम्ब के और एक्स्ट्रा पैरामिडल फाइबर्स होते हैं तो अगर ये आर्टरी रप्चर हुई है तो पोस्टीरियर लिम्ब में डैमेज होगा इसके डैमेज होने की वजह से ये जो फाइबर्स हैं इनका क्या हो जाएगा लीजन और इनके लीजन की वजह से क्या हो जाएगा स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रालेट्रल लेटरल हेमिप्लेजिया नेक्स्ट क्लिनिकल है हमारी थ्रोम्बोसिस और रप्चर ऑफ रिकरेंट आर्ट्री ऑफ हेबनर तो जो रिकरेंट आर्ट्री ऑफ हेबनर थी वो किसकी ब्रांच थी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांच थी और किसको सप्लाई कर रही थी एंटीरियर लिम्ब और जेनु को हमें पता है जेनु में क्या होते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर किसको इनरवेट करते हैं हेड एंड नेक की मसल्स को इनरवेट करते हैं तो अगर हमारा रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेबनर का रप्चर हुआ तो किन का लीजन हो जाएगा कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर का लीजन हो जाएगा जो हेड एंड नेक को सप्लाई कर रहे हैं और साथ ही साथ एडजेसेंट पैरामेंटल फाइबर्स का भी लीजन हो जाएगा अपर लिम के लिए देखिए यहां पे हमारे जेनु में कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स थे और पोस्टीरियर लिम में क्या थे हमारे कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर एक ऑर्डर से अरेजोर्ड थे सबसे ऊपर थे कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर फॉर अपर लिम देन थे हमारे ट्रंक के लिए और फिर थे हमारे लोअर लिम के लिए तो अगर हमारी रिकरेंट आर्ट्री ऑफ हेबनर रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेबनर में रप्चर होता है तो क्या इफेक्ट होंगे कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स और हमारे कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स फॉर अपर लिम है ना सो so, हमारा क्या हो जाएगा पैरालिसिस ऑफ फेस तो हमारी हेड एंड नेक की मसल्स को सप्लाई कर रहे थे कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स तो पैरालिस हो जाएगा फेस का एंड अपर लिम ऑफ अपोजिट साइड अपोजिट साइड का ही होगा ये तो आपको समझ आ गया होगा लास्ट जो क्लिनिकल है अब मैंने आपको बताया था सब लेंटिफॉर्म पार्ट और रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं ऑप्टिक रेडिएशन एंड ऑडिटरी रेडिएशन अब सब लेंटिफॉर्म पार्ट या फिर रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट का लीजन होगा तो क्या हो जाएगा विजुअल डिफेक्ट आएंगे और ऑडिटरी डिफेक्ट आएंगे ऑडिटरी डिफेक्ट मतलब लॉस ऑफ हियरिंग हो जाएगा और विजुअल डिफेक्ट में हेमी एनोपिया हो जाएगा और ये किसकी वजह से होगा लीजन ऑफ पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ पोस्टीरियर लिम सब एंड रेट्रोलेंटिफॉम पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल और ये कॉमनली किस वजह से होता है ड्यू टू थ्रोम्बोसिस ऑफ एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी सो हमने तीन क्लिनिकल पढ़ी हैं कॉन्ट्रा हेमीप्लेजिया जो मेनली चारकोट्स आर्टरी की वजह से होती है नेक्स्ट पढ़ा है हमने रप्चर ऑफ रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेबनर और लास्ट हमने पढ़ा है विजुअल डिफेक्ट या फिर ऑडिटरी डिफेक्ट जो किसके लीजन की वजह से होते हैं सब लेंटिफॉर्म और रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट के जो डैमेज की वजह से होते हैं ये सारे क्लिनिकल सो फ्रेंड्स इंटरनल कैप्सूल खत्म हो चुका है हम सारे सब हेडिंग्स इसके कंप्लीट कर चुके हैं इंट्रोडक्शन शेप लोकेशन बाउंड्रीज एंड पार्ट्स मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए थे सेकंड वीडियो में मैंने आपको फाइबर्स बताए थे और इस वाली वीडियो में ब्लड सप्लाई और क्लिनिकल बताए हैं सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों आप इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जल्दी से समझ नहीं आता है और अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है उसमें ज्वाइन कीजिए उसमें सारे नोट्स अवेलेबल हैं थैंक यू